वंदे भारत एक्सप्रेस, भारत की पहली इंजन रहित सेमी हाई स्पीड ट्रेन। भारत की प्रेरणादायक महिला लोको पायलट्स मोनितिग्गा और रितिका तिर्की। एक ऐसा देश जहां प्रगति और परंपरा साथ साथ चलते हैं। भारतीय महिलाओं हर दिन सीमाएं तोड़ रही हैं और नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। आज हम दो ऐसी प्रेरणादायक महिलाओं की कहानी जानने जा रहे हैं जिन्होंने भारत की पहली महिला लोको पायलट के रूप में इतिहास रचा, मोनितिग्गा और रितिका तिर्की। हमारी कहानी शुरू होती है ओडिशा से, जहाँ से पहली महिला जिन्होंने भारतीय रेलवे में ट्रेन चलाई मोनितिग्गा का जन्म हुआ था। मोनितिग्गा ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के लाठीकाटा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले बरदल की पंचायत के छोटे से गांव रुटकुपीड़ी से हैं। उनकी यात्रा किसी चमत्कार से कम नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ये साबित कर दिया था कि यदि आपके पास दृढ़ संकल्प हो तो कोई लक्ष्य दूर नहीं होता। मोनितिग्गा मु बरगढ़ वुमेन साइट आई रु 2008 पास करी। मुझ जिते बड़े आई टी आई करी से मु लोक पायलट पर प्रिपेरेसन हो कम क्वालिफिकेशन माने आई टी आई 2 वर्ष कोर्स 2 वर्ष भितर शीघ्र भी सरीजी आ कम खर्च भी आई पार कहीं गवर्नमेंट आई टी आई कर आई टी आई कली आई टी आई पढ़ुवा टाइम ही मु लोक पायलट पर प्रिपेरेसन होती से मो मेंटालिटी को प्रिपेरेसन करदे कि मु लोक पायलट है जेहेतु झील मानक गवर्नमेंट दे लोक पायलट पर तो मुझे चेष्टा करपरि कौन पर मु गाँ गहली कम कर माने ट्रेन चल पारि कहीकिते मेंटालिटी को प्रिपेरेसन करदे आउ लोक पायलट अटे खोर्धा डिविजन ईस्ट कोस्ट रेलवे खोर्धा रु पलास पर्यंत टीए अरिजिनेटेड स्टेसन रु नहीं डेस्टिनेसन स्टेसन पर्यटन जहाँ खाइबा पीवा जहाँ दरकार हुए आम घर सब रेडी करके नहीं जाऊ ए मु प्रकार मो घरे मो हजबैंड अच्छा छोट छोट छुआ पुला अच्छा तो घरे भी हजबैंड मो कोऑपरेशन करती कि कम से भी कर दिखती मो कम आए फाइनाली रेडी मु अध घंटा आगु आसिक लबी पहुँची जाए लबी ऑन ड्यूटी करे, मोर टिकट निए तापर गार्ड से आसती गार्ड टिकट क्वेश्चन आर्डर दिखती मु गार्ड को टिकट दिए आसीस्टाट आसती आम तीन जन कथबार्ता हो गाड़ी आसीच कि आसनी कौ रूट्रे आस स्टेशन मास्टर अलाउन्स करती झील मानी यहीटा कह कि मैंने आजिकल कि इम्पॉसिबल नुहे माने सब कम पॉसिबल अटे माने जोटा पुआ माने करू पारछंती आमे भी करू पारबो गाड़ी जेते बेले आमे सेक्शन रे नै कि जाऊ आमको बहुत प्राउड फील हुए कि आमे जियो पिलाई कि गाड़ी चलाई पारु छु मु निज को बहुत गर्व मन करे मु गाड़ी चलाई पारु छु मु गोटे लोक पायलट इंडियन रेलवे रे अछि मो फैमिली बहुत खुशी होती मो माँ एबे अछंती मो माँ जब मुझे चाकरी पाइल से बहुत खुशी होंगे एवं भी बहुत मो माँ बहुत प्राउड फील करती जो आम आखपाख मो माँ को देखिले कहते आपण झील लोक पायलट होती कहले मो माँ को आउ बस प्राउड फील कौन पाई मो माँ मत कहते और उनकी पदचिन्ह पर चलते हुए हमारे पास हैं और एक प्रेरणादायक महिला रितिका तिर्की। झारखंड के आदिवासी समुदाय से आने वाली इस युवा महिला ने सितंबर 2024 में तब सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने प्रतिष्ठित वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने में सहायक लोको पायलट के रूप में योगदान दिया। 37 साल की रितिका तिर्की ने न केवल महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है बल्कि अपने आदिवासी समुदाय के लिए भी एक उम्मीद की किरण है। झारखंड के एक साधारण परिवार में जन्मी रितिका 4 भाई बहनों में
से एक हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा रांची से शुरू की और BIT मेसरा रांची से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। 2019 में रितिका भारत रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में शामिल हुई। उनकी पहली पोस्टिंग धानबाद डिवीजन में चंद्रपुर बोकारो में हुई, जहां उन्होंने मालगाड़ी और यात्री ट्रेन दोनों चलाने का अनुभव प्राप्त किया। 2021 में उनका ट्रांसफर टाटा नगर हुआ और 2024 में रितिका को सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर प्रमोट किया गया। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ये मौका मिला और मैं अपने सीनियर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, खासकर CRB हो गया, GM सर, सीनियर डी सर और अपने इंचार्ज को, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये मौका दिया, और खासकर PM सर को, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज ये ट्रेन चल रहा है, तो उन्हें मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। सर, पहले हम लोग पहले बस TV में देखते थे देश विदेश में कि मतलब बहुत हाई स्पीड ट्रेन चल रहा है, और आज मतलब मौका मिला हमको ये हाई स्पीड ट्रेन चलाने का, इसलिए बहुत खुशी हो रहा है। पहले सोचते थे कि खाली फॉरेन में मतलब अच्छी अच्छी ट्रेन चल रही है, हमारे इंडिया में भी होगी ऐसा लगता था, लेकिन आज वो सपना साकार हो गया। रितिका बोलती हैं, जब मैंने शुरू किया तब थोड़ा डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपना डर दूर किया। अब ट्रेन चलाने में बहुत मज़ा आता है और मुझे गर्व है कि मैं वंदे भारत जैसी ट्रेन का हिस्सा बन पाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि और भी महिलाएं इस क्षेत्र में आए और खुद को साबित करें। अपने झारखंड के साधारण जीवन से लेकर वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली आदिवासी महिला सहायक लोको पायलट बनने तक रितिका ने यह साबित कर दिया कि बड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ये अपने समुदाय की गर्वली प्रतिनिधि हैं और उन महिलाओं की प्रेरणा है जो पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्रों में कदम रखने से हिचकिचाती हैं। रितिका यात्रा आसान नहीं रही, लेकिन भारतीय रेलवे के समर्थन और उनकी कड़ी मेहनत ने उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया। आज ये विभिन्न शहरों में यात्रा का आनंद लेती हैं और अपने काम के रोमांच का सामना करने के लिए उत्साहित करती हैं। मुनितिका और रितिका तिर्की दोनों ही भारत में महिलाओं की शक्ति का प्रतीक हैं। उनकी कहानियां हमें ये याद दिलाती है कि चाहे आप कहीं से भी हों, अगर आपके पास मेहनत और जुनून है तो आप नई ऊंचाइयों तक पहुँच सकते हैं। ये महिलाएँ मार्गदर्शक हैं और उनकी कहानियाँ हजारों अन्य महिलाओं को प्रेरित करती हैं कि ये अपने सपनों का पीछा करें, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो। यदि आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी प्रेरणादायक कहानियाँ मिलती रहें। धन्यवाद। जोहार। नमस्कार।